क्या आपको भी बोलने से डर लगता है, मन में घबराहट होती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको स्टैमरिंग है, हकलाना है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। मुझको ना अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे तो जो स्टैमरिंग है ठीक ही नहीं हो रही है। देखिए, स्टैमरिंग ठीक करने के लिए हमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है। आज हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने प्रैक्टिकली अपनी स्टैमरिंग के ऊपर काम किया है और अभी वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा मोटिवेशन मिलेगा प्रैक्टिकली कि कैसे इन लोगों ने अपने स्टैमरिंग के ऊपर काम किया ताकि आप भी वैसे काम कर सकें। वेलकम, आज की मीटिंग में सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो लोग जिन्होंने अपनी स्टैमरिंग को काफी ओवरकम किया है। मैं सबका वेलकम करता हूं अपनी तरफ से, मोहन वेलेंस की तरफ से। ओके, वेलकम ऑल। तो मैं सागर खातार, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड जो मेरा सफर था बहुत बढ़िया था। मैंने सर से कोर्स लिया और सर ने कुछ प्रैक्टिस, कुछ टेक्निक भी हमें बताई और ऊपर से जो साउंड हीलिंग का सेशन था वो भी बढ़िया था। सर ने हमारे लिए ग्रुप क्रिएट किए, सो हम अपने प्रॉब्लम वाले बंदे से बात कर पाए, यार तुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में क्या फेस किया है, तो और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या है, तो उसके बारे में हम बहुत जानने। और जो सफर था बहुत अच्छा था एंड आज मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ और देखिए आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। मजा आ गया? और अगर आप जितना जितना हेल्प करेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और ब्लेसिंग्स आपको पता है कि हमारे जीवन में कितना चेंज लेके आती है। राइट, मैं चाहता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा बेटा है, साथ में बैठा है अंशुमन है। इसको ना पहले स्टैमिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। मुझको तो ऐसे लगता था कि इसकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। मुझको किसी ने फिर मोहन सर का रेफरेंस दिया। तकरीबन आज से 2 साल पहले मैं अपने बेटे को, उस टाइम इसकी एज 6 ईयर थी, जब मैं मोहन सर के पास गया था, तो जब मोहन सर ने इसको कोचिंग दी स्टैमिंग की, 3 महीने मैंने इनसे कोचिंग दी। मोस्टली 1 महीना मैंने ऑनलाइन ली थी, 2 महीने मैं फिजिकली इनके पास गया था। उसके बाद मेरे बेटे ने थोड़ी बहुत ही अपने आप ही प्रैक्टिस की थी, उसके बाद ये मेरा बेटा बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। ग्रेट ग्रेट। पहले मैं ये सोचता था कि हाँ जी सर, बिल्कुल मजा आ गया। अब सर अंशु भी कुछ बताना चाहता है। जी सर, पहले बहुत स्टैमिंग की प्रॉब्लम थी। वेरी गुड। मैंने मोहन सर से कोचिंग ली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मजा आ गया? मजा आ गया। सर मेरा नाम गौतम गोस्वामी है और मैं गुजरात राज्य से बिलोंग करता हूँ। मैं करीबन 2-2.5 साल से मोहन सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मोहन सर ने बताया कि साउंड हीलिंग है, कई सारे टेक्निक्स है, सारे टेक्निक्स मिला के मैं सभी टेक्निक्स को रोज यूज करता हूँ और अभी भी यूज करता हूँ। तो अभी मेरा 90% तो हो गया है, थोड़ा सा पे लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और अभी क्या है कि आत्मविश्वास जो होता है, कॉन्फिडेंस, जो स्टैमरिंग वाले बंदे हैं उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी बढ़िया होगा। ग्रेट, मजा आ गया? मजा आ गया है बिल्कुल। अच्छा, तो हमें ये बताइए गौतम जी कि साउंड हीलिंग ने स्टैमरिंग को ओवरकम करने में आपकी क्या हेल्प की? साउंड हीलिंग जो है वो हर रोज में 20-25 मिनट करता हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग जो है स्टैमरिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वो होता है कि टेक्निक तो आपको यूज करनी है लेकिन घबराहट और डर की वजह से लोगों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है। क्या होता है कि जो साउंड हीलिंग है वो दिमाग को शांत करता है, तो आपको टेक्निक आसानी से यूज करने में बहुत सहायता मिलेगी, तो बहुत ही बढ़िया है साउंड हीलिंग, बहुत ही बहुत फायदा मिलता है उससे। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। मजा आ गया? जी सर, वेरी गुड। तो मोहन सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब एक्सेप्टेंस, अगर सामने वाले को हाइड करते हो या आप उसको नहीं अगर मतलब बतलाते हो तो वो स्टैमरिंग और भी ज्यादा जो है होती है। तो मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया और मैंने एकदम ओपनली बोला कि सर मैं स्टैमरर हूँ और मुझे बोलने में परेशानी होती है। तो उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा,
उन्होंने बोला कि मुझे बोला कि आखिर बेटा सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम लोग भी किसी स्ट्रेंजर के सामने जाते हैं तो हम लोगों को भी आखिर स्टैम्पिंग जो है होती है। तो उनके इस बोलने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाइक हुआ, इंक्रीज किया, और फिर मैंने बहुत ही फिर स्मार्टली जो है तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिंदगी में अगर मोटिवेशन रहता तो अच्छा रहता, लेकिन हमेशा मोटिवेशन बना रहे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा कहना है कि वीक में एक बार अगर ये जो मीटिंग इनके साथ होती रहेगी तो हम लोग का मोटिवेशन हमेशा जाने स्टार्ट रहेगा।